इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। कोरोना के मद्देनजर स्कूलों के किसी भी फैसले पर हुकूमत या तो संजीदा नजर नहीं आ रही, या तो इन्हें क्या फैसला लेना है इस नतीजे पर आना मुश्किल होता जा रहा है। हासिल इत्तला के मुताबिक स्कूल टीचर्स असातिज़ाओं को कोरोना मुतासिर होने की वारदातों में इजाफा हो रहा है, लिहाजा इसी के मद्देनजर अब पहले से बंद स्कूलों को फिर से छुट्टी देने का फैसला येडियुरप्पा हुकूमत की जानिब से लिया गया। अक्टूबर की छुट्टियों का ऐलान करते हुए कहा कि अब से 3 हफ्ते तक यानी 30 अक्टूबर तक छुट्टी दी जाएगी। कोरोना आलमी वबा के तहत बंद स्कूलों की वजह से अब किसी तरह की छुट्टियां नहीं होंगी, ऐसा फैसला लिया गया था, पर अचानक अपने ही फैसले को बदलते हुए फिर 3 हफ्तों की छुट्टी दी गई। कोरोना पॉजिटिव के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बेलगाम जिले में तकरीबन 350 के करीब मरीज पाए गए। हुकूमत के इन फैसलों पर साबिक वजीर आला कुमार स्वामी ने तंज भी किया है। बेलगाम जिला रामदुर्ग तिमापुर में 130 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने को हुकूमत ने संजीदगी से लिया है। बेलगाम बीओ का कहना है कि शहर से आने वाले असातिज़ाओं की वजह से ही बीमारी फैल रही है कहना गलत होगा। असातिज़ाओं ने पूरे एहतियात के साथ बच्चों को सिखाया है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसी मकसद के तहत गांव-गांव जाकर पढ़ाया जा रहा था। हुकूमत ने अब विद्यागम के तहत गांव में पढ़ाई को बंद ही कर दिया है। देहात में जाकर विद्यागम के तहत पढ़ाया जा रहा था, पर इस पढ़ाई के बंद करने से तकरीबन 3 लाख बच्चों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। 3 लाख बच्चे अब पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं। गुलबर्गा में भी इसी विद्यागम के तहत पढ़ने वाले 34 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। कोप्पल में भी इसी तरह के पॉजिटिव पाए जाने का मामला सामने आया। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है स्कूल कॉलेजेस मुकम्मल तौर पर बंद हैं, बच्चे पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, लिहाजा बच्चों का नुकसान ना हो इसीलिए हुकूमत की जानिब से विद्यागम मंसूबे के तहत पढ़ाई का काम जारी था, पर पिछले कुछ दिनों में बच्चों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से डर खौफ का माहौल देखा जा रहा है। और अब तो बेलगाम रामदुर्ग में 130 से भी ज्यादा बच्चे कोरोना मुतासिर पाए जाने से हुकूमत ने इसे बंद करने का फैसला लिया है, पर तकरीबन 3 लाख बच्चों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। येडियुरप्पा को इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस की मांग। बदकारी रिश्वतखोरी मामले को लेकर कांग्रेस हुकूमत ने वजीर आला येडियुरप्पा को फौरी तौर पर इस्तीफा देने की मांग की है। रियासत कांग्रेस का इल्जाम है कि येडियुरप्पा इनके फर्जंद नवासा जमाई ने तकरीबन 662 करोड़ रुपए गबन किए, लिहाजा इस भ्रष्टाचार मामले में मुलविस होने की बिना पर फौरी तौर पर हुकूमत से नीचे उतर जाना चाहिए। कांग्रेस कैद अभिषेक मनु संघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा या येडियुरप्पा हुकूमत को अगर जरा बराबर भी शर्म आया हो तो इन्हें फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कर्नाटक हुकूमत इंतहाई रिश्वतखोर बदकार कायद इख्तदार पजीर हैं। कांग्रेस कायद संघवी ने सिद्धरामैया का हवाला देते हुए कहा कि येडियुरप्पा के बेटे विजेंद्र ने बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ठेकेदारों से बड़े पैमाने पर रिश्वत ली है। विजेंद्र येडियुरप्पा और नवासा के दरमियान हुई गुफ्तगु की कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद है। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों भी मौजूद है, फिर मुकदमे क्यों दायर नहीं किए जा रहे, ऐसा सवाल भी किया गया। आखिर वजीर आला को इतनी छूट किस बुनियाद पर दी जा रही है? मोदी हुकूमत भी इस पर क्यों खामोश है? इनकी खामोशी को क्या हिमायत समझा जाए? क्या विजेंद्र पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ऐसे कई सवाल कांग्रेस की जानिब से किए गए। कोरोना आलमी वबा के कई किस्से कहानियां देखी सुनी गई। एक तरफ जान की बाजी लगाने वाले डॉक्टर तो दूसरी तरफ डॉक्टर के लिबास में छिपे भेड़िए भी देखे गए। कई जगह पर ऐसे भी मामले देखे गए कि ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर ना होने की वजह से अस्पताल के दरवाजों पर दम तोड़ते मरीजों को देखा गया। तो सैकड़ों ऐसे जाने भी गई जिन्हें अस्पताल का बिल अदा करना मुमकिन नहीं था। खैर कोरोना आगे बढ़ रहा है, कारोबार फैक्ट्रियां भी शुरू हो रही हैं, और इसी दौरान कुछ सियासी लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, कुछ लीडरों की मौत हो गई तो कुछ इलाज के बाद ठीक हुए। अब जब ये
ठीक हुए हैं तो अपने इलाज का बिल हुकूमत से हासिल करने के लिए बिल क्लेम किया हुआ है और इलाज की रकम हासिल होने के लिए अर्जियां दाखिल की है, जिसमें बेलगाम नॉर्थ के एमएलए अनिल बेन के समेत कुल 10 लोग और है, इनका बिल तकरीबन 35 लाख रुपए है। आखिर हुकूमत से अपने बिल क्लेम करने वाले कौन है वो कैद? तो ये है इनके नाम, वजीर आला येडियुरप्पा, वजीर सेहत श्री रामोलू, एजुकेशन मिनिस्टर के सुधाकर बेलगाम जिला से शशिकला चोल्ले, महंतेश कौशल के, अनिल बेन के, अभय पाटिल, अंजलि निम्बाड़कर, दुर्योधन आयोहोले और भी दिगर सियासी लीडरान का इस फहरिस्त में नाम दर्ज है। कुल खर्च 35 लाख के करीब है। सभी ने सरकारी अस्पतालों से इलाज नहीं कराया है बल्कि निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराया। अब इन मरीजों के बिल पर कमेटी मुंतखब की गई है, जिन्हें कितना बिल अदा करना है इस पर अब ये फैसला लिया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।